डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में सेकंड पेपर मानव भूगोल की सेकंड यूनिट में विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अरब की बद्दू जनजाति के बारे में। यह जनजाति मुख्य रूप से जो अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं उनमें मिलती है। सबसे पहले तो हम इसका एक नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। जो बद्दू जनजाति है वो एक चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि घुमक्कड़ जनजाति है जो खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहते हैं। ये मुख्य रूप से जो नेग्रिटो प्रजाति है उससे संबंधित हैं। जो बद्दू शब्द है, बद्दू शब्द का अर्थ होता है खाना बदोश, यानी जो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ये जनजाति मौसम के परिवर्तित होने के साथ साथ ही अपने परिवार और पशुओं के साथ जल और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने के कारण वहाँ पर जल और चारा सीमित मात्रा में मिलता है, वह चारा जल्दी समाप्त हो जाता है, अतः ये लोग फिर से चारे की तलाश में अन्यत्र स्थान पर पलायन कर जाते हैं। इनके अंदर घुमक्कड़ प्रवृत्ति हमेशा विद्यमान रहती है और जो आधुनिक संस्कृति सभ्यता है उससे ये संपर्क करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मुख्य रूप से जो बद्दू जनजाति है उसकी कई प्रजातियों और इसके कई उपवर्ग भी हैं, यानी यह जो प्रजाति है वो कई उपजातियों में दक्षिणी पश्चिमी एशिया के रेगिस्तानी भागों में पाई जाती है और मुख्य रूप से पशुपालन पर अपना जीवन व्यतीत करती है। इन सभी उपजातियों का जो समूह है उसे अनाजा जनजाति समूह के नाम से जाना जाता है, यानी बद्दू जनजाति में जितनी अन्य उपजातियां आती हैं उनका जो समूह है उसे हम अनाजा जनजाति समूह कहते हैं। सबसे अधिक रुबाला जाति के बद्दू पाए जाते हैं, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो बद्दू जनजाति है उसमें रुबाला जाति जो है वो देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बद्दू जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। जैसा कि हमने इसके परिचय में पढ़ा कि ये मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहती है, तो जो बद्दू जनजाति है उसका जो प्रमुख विस्तार है वो सबसे ज़्यादा मिलता है अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित हमद और नेफद जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत। इन दो क्षेत्रों में पर्टिकुलर जो है वो इनका निवास स्थान पाया जाता है। दक्षिण पश्चिमी एशिया के जो बद्दू लोग हैं वो सीरिया के जो मध्यवर्ती भाग हैं वहाँ से दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग तक पाए जाते हैं, यानी इनका जो विस्तार है वो सीरिया के मध्यवर्ती भागों से लेकर के अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग तक पाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, आड़ी लाइनें हैं ब्लैक्स, उनके द्वारा जो ये पूरा क्षेत्र दिखाया गया है जिसमें उत्तर में सीरिया का मरुस्थल है और दक्षिण में सऊदी अरबियाई क्षेत्र है, इसके मध्य में जो है वो बद्दू जनजाति का निवास क्षेत्र प्रमुख रूप से फैला हुआ है। जो हमद क्षेत्र है वहाँ पर छोटी छोटी घास पाई जाती है जिससे कि बद्दू जनजाति को अपने पशुओं के लिए चारागाह की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये जो चारागाह हैं इनके बीच में स्थान स्थान पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिनमें जल पाया जाता है, तो पशुओं के लिए चारागाह और जल दोनों की ही व्यवस्था जो है वो इनको हमद क्षेत्रों में मिल जाती है। ये इनके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसके कारण इनका विस्तार इन क्षेत्रों में मिलता है। हमद के ही दक्षिण में नेफद मरुस्थलीय क्षेत्र स्थित है, यहाँ भी छोटी छोटी घास पाई जाती है। इसके अलावा जितना भी अन्य मरुस्थलीय क्षेत्र है वो रेतीला होने के कारण निर्जन और जनशून्य है। ये दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल और कुछ मात्रा में घास की उपलब्धता मिलती है। तो इसी कारण से जो बद्दू जनजाति है उसका प्रमुख विस्तार इन क्षेत्रों में पाया जाता है। बद्दू जनजाति के निवास क्षेत्र की भौतिक दशाओं की अगर हम बात करते हैं तो जो हमद और नेफद क्षेत्र है वहाँ पर जून और सितंबर के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वर्षा भी यहाँ पर नाम मात्र को भी नहीं होती है, मतलब वर्षा होती ही नहीं है। तेज़ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं दिन में,
इसके अलावा यहाँ जो लगभग औसत तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दिसंबर और जनवरी में शीतलता यहाँ अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है तो यहाँ ठंडक रहती है। कभी कभी यहाँ पर हिमपात भी हो जाता है, यानी बर्फ भी गिरती है। अक्टूबर और नवंबर में पश्चिमी विक्षोभों से हल्की वर्षा होती है। इस हल्की वर्षा के द्वारा ही यहाँ पर छोटी छोटी घास उग जाती है, जिससे कि पशुओं के लिए चारागाह की प्राप्ति होती है। यानी इस तरीके से जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो विषम जलवायु पाई जाती है, उसी तरह की जलवायु इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं बद्दू जनजाति के शारीरिक लक्षणों के बारे में, यानी इनकी जो शारीरिक बनावट है वो कैसी है। बद्दू लोगों का कद यानी उनकी जो लंबाई है वो 160 से 167 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इनका चेहरा लंबा होता है, नेत्र यानी आंखें काली होती हैं, बाल भी काले होते हैं। इनकी चमड़ी का रंग पीलापन युक्त होता है। ये लोग दक्षिण पश्चिमी एशिया की जो भूमध्य सागरीय और अर्मिनाइट प्रजाति हैं, उन दोनों प्रजातियों का जो मिश्रण है उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण दोनों प्रजातियों के जो लक्षण होते हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। यानी भूमध्य सागरीय और जो अर्मिनाइट प्रजाति है, दोनों प्रजातियों के जो लक्षण मुख्य लक्षण हैं वो बद्दू जनजाति में पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षणों के बाद हम बात करते हैं भोजन के बारे में, यानी ये किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो जो बद्दू जनजाति के लोग हैं, इनका जो भोजन है वो ऊँटनी के दूध से प्राप्त होता है। यानी ये ऊँटनी का दूध पीते हैं और ऊँटनी का दूध भी ये कच्चा पीते हैं। इसके अलावा ये ऊँटनी के दूध से दही, पनीर और मक्खन भी बनाते हैं। ऊँटनी का जो खट्टा दूध है वो इनके भोजन का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा होता है। दूध के अलावा ये जौ, मक्का की रोटी और जानवरों का मांस भी खाते हैं। यानी कुछ मात्रा में ये खाद्यान्नों का प्रयोग भी अपने खाने के लिए करते हैं, जैसे कि जो मोटा अनाज होता है। इसके अलावा जब कोई भी इनके यहाँ मेहमान आता है तो मेहमान के आदर सत्कार में ये उन्हें कहवा पिलाते हैं। कहवा इनका सबसे इम्पोर्टेंट पेय पदार्थ है। जिस तरह से कॉफ़ी होती है उसी तरीके से कहवा होता है, जो कि बीजों के माध्यम से बनाया जाता है और ये पीने के काम आता है। इसके बाद में ये लोग ऊँटनी के दूध के अलावा भेड़ बकरियों का दूध भी पीते हैं और उनका मांस भी अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जो ऊँटनी का दूध ये प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है रुवाला। जैसा कि इनमें रुवाला जाति मिलती है, तो जो रुवाला जाति है वही मेनली ऊँटनी के दूध का प्रयोग करती है, तो उस दूध का नाम भी क्या रखा गया है, रुवाला। तो इस तरीके से जो बद्दू जनजाति है वो अपना जीवन यापन रेगिस्तानी प्रदेशों में करती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में इनका बसाव देखने को मिलता है। भोजन के बाद हम बात करते हैं वस्त्र के बारे में, कि किस तरह के वस्त्र पहनते हैं। जैसा कि ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर गर्मी पड़ती है, जिसके कारण ये पहनते हैं मेनली सूती वस्त्र। यानी कॉटन का कपड़ा जो है इनके वस्त्र में सबसे पहले शामिल होता है। इनके जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ढीले ढीले होते हैं और हल्के होते हैं। बद्दू लोगों में जो पुरुष होते हैं वो तो सूती कपड़े से बने कुर्ता और पायजामा, या फिर चोगा भी बोलते हैं, वो पहनते हैं। और सर्दियों में ये जो भेड़ होती है, भेड़ की खाल से बनी जैकेट पहनते हैं। इसके अलावा सर पर ये टोपी या पगड़ी बांधते हैं, जिससे कि अपने सर का बचाव ये धूप से कर सकें। स्त्रियां भी सूती कपड़े के मुलायम एवं हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं। यानी इनके जो कपड़े हैं वो मेनली यहाँ की जो मरुस्थलीय जलवायु है उसके अनुसार ही होते हैं, जो कि उन्हें इस मरुस्थलीय जलवायु में भी जीवन यापन करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाती हैं। तो इस तरीके से बद्दू जनजाति के अंतर्गत हमने इनके निवास क्षेत्र, इनके भोजन, शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करी। अब अन्य जो बद्दू जनजाति से प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे।